जो आप बोल रहे हैं वो दो बार सीबीआई जांच करके बंद कर दिया, ईडी जो है जांच करके बंद कर दिया, एक एक के बाद बोलते जाते, लेकिन अपने आशियाना के बारे में नहीं बताते। आशियाना मिला, हाँ बोले उनको सीजर लिस्ट हुआ तो दिखा दो, ईडी वाले पंचनामा होता है दिखा दो, पता चल जाएगा। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं मैं, अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। तो इनके गीदर भपकी से हम लोग डरे वाला है क्या? अरे भाई आधे घंटे में काम खत्म हो गया था ईडी का महोदय मेरे यहाँ, लेकिन ईडी जो है बैठी रही। हम बोले अब काम खत्म हो गया, पंचनामा बनाइए जाइए। तो बोले नहीं, ऊपर से फोन आएगा तब जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ 14 घंटा बैठे, आपके यहाँ 15 घंटा बैठने का। आप देखिए, बहनों को ले आया गया है, मेरी बीवी को ले आया गया, इतनी निम्न स्तर की लड़ाई होगी? जब लालू जी ने डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। वो जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। तो महोदय ये बोल रहे हैं ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, अरे भाई जांच कोई नया है? अब रेप्लिका 2017 में इनके एक नेता है अफुआ मियाँ, दिन भर पीसी करता, दिन भर गरियाना पीसी करते हैं। पिछले बार 2017 में पीसी किए कि मिट्टी घोटाला हो गया, मिट्टी घोटाला हो गया। फिर वही मिट्टी घोटाला बाद में गठबंधन टूट गया, भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैलाया गया, कंफ्यूजन पैदा किया। वही बार बोले नेता फिर संबंधित विभाग के मंत्री बने, मिट्टी घोटाले पर ही मिट्टी डाल दिए। जिन्हें उनकी पार्टी ने ही राजनीतिक रूप से दफन कर दिया, वो अपनी प्रासंगिकता खोजने के लिए उसी मिट्टी तले दबे हुए हाथ पांव निकाल अपने आकाओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बताइए, सब लोगों ने देखा था क्या बकवास बातें मध्य डेली? हम तो पूछते हैं भाई नया क्या बोल रहे हैं? जो आप बोल रहे हैं वो दो बार सीबीआई जांच करके बंद कर दिया, ईडी जो है जांच करके बंद कर दिया, एक एक के बाद बोलते जाते, लेकिन अपने आशियाना के बारे में नहीं बताते। आशियाना जो है उनका, उसके बारे में भी उनको जिक्र करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। अब जांच होगी तो हम तो जाएंगे। अब किस प्रकार से रेड पड़ा नहीं पड़ा, क्यों हो रहा है, असली डर महोदय 24 का है। ये जान रहे ये कहीं टिकने वाले नहीं है, असली डर जो है महोदय 24 का है। और इतने घबराहट में क्या क्या नहीं कर रहे, हालांकि करते रहे 6 साल से क्या कर रहे थे, क्या हुआ? एक हो गए तो फिर से इनका तोता पिंजरा से बाहर आ गया, कोई काम तो किए नहीं। कोई एविडेंस हो तो लाओ ना भाई। बोला गया कि मेरे यहाँ से कितना खजाना मिला, हाँ बोले उनको सीजर लिस्ट हुआ तो दिखा दो, ईडी वाले पंचनामा होता है दिखा दो, पता चल जाएगा। तो ये सब तो दिखाना नहीं, इन पे बात नहीं करना तकनीकी, इनको खाली है कि हम लोगों के काम को, जो नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन काम कर रही है जनता के प्रति, बिहार के प्रति, और ये जनता की मांग थी कि भाई महागठबंधन की सरकार बने, और जरूरत थी उसको देखते हुए बनी है, जनता के लिए काम करे, तो केवल इमेज को चरित्र हनन करना, और मेन जो काम कर रहा है, हम लोग 20 लाख नौकरी की बात नहीं कर रहे बल्कि देना शुरू कर दिए, तो उसके बाद जो है ये लोग जो है लगे पड़े कि हम लोग जो है काम ना करें, डाइवर्ट करें, दूसरे काम में लगे, उलझे रहे। इनको भी पता है कि कुछ नहीं है, फिर भी एक और शायरी हम कहना चाहेंगे। अब हम तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं, इतना कम उम्र में सारा अनुभव हो गया, हर जगह का, चाहे नेता विरोधी दल का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, या और भी तरह के सीबीआई ईडी केस मुकदमा, किस तरह का झूठ प्रचार, हर तरह से हम लड़े, इनका मुकाबला किए। तो हम इनको कहना चाहते हैं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं मैं, अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। तो इनके
गीदड़ भपकी से हम लोग डरे वाला है क्या? पूर्णिया में तो हम लोग कहीं ना रहे थे। अब विजय माल्या कौन है इनको नहीं याद आएगा, मेहुल चौकसी कौन है इनको याद नहीं आएगा, नीरव मोदी कौन है, ललित मोदी कौन है और फलना गुजराती भाई लोग कौन है ये याद नहीं ना आएगा। अभी जो 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बैठा दी, इनका तोता निकल ही नहीं रहा। अब सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान लेके कमिटी बैठा दी तो इनका तोता क्यों नहीं निकलता है महोदय? निकालना ना चाहिए, लेकिन वो घोटाला नहीं होगा। मेरी बहनों का जाकर के वहां ससुराल में जाकर के उनकी ननद का, उनके ससुराल के ससुराल वालों का गहना निकलवा लेना, फोटो खींच लेना, आप समझिए 25 जगह रेट पड़ा। हर घर में घर खर्च के लिए अगर 1-2 लाख रुपए भी होता है तो 50 लाख तो ऐसे ही हो जाता है, इसका क्या मतलब? तो इसलिए अब कान का मंगलसूत्र निकलवा के फोटो खींचना, अरे भाई आधे घंटे में काम खत्म हो गया था ईडी का महोदय मेरे यहाँ, लेकिन ईडी जो है बैठी रही। हम बोले अब काम खत्म हो गया, पंचनामा बनाइए जाइए। तो बोले नहीं, ऊपर से फोन आएगा तब जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ 14 घंटा बैठे, आपके यहाँ 15 घंटा बैठने का ऑर्डर है। रात के 1-2 बजे लोग गए। मेरी बीवी गर्भवती, अब कल इतना रूमर फैल गया, कल तो अब बताते बताते कि हमको बेटी हुई, अच्छा है बेटी, हम तो चाहेंगे कि पहली वो तो बेटी ही हो, लक्ष्मी आए घर में। लेकिन महोदय इतना रूमर फैला, अब मेरी बीवी गर्भवती है, अब उसको इस टाइम में बीपी हाई होता है, शूटअप करता है, अब उसको एक जगह 15-15 घंटे बैठाना, क्या ये अलग बात है। फिर बाद में हमने उसको हॉस्पिटल जबरन जो है हम लोगों ने भेजा, और हेल्थ इश्यूज पे तो कार्रवाई जो है वो रोक करके वो देखा जाता है। लेकिन आप देखिए, बहनों को ले आया गया है, मेरी बीवी को ले आया गया, इतनी निम्न स्तर की लड़ाई हो गई है। आडवाणी जी, अटल जी जब थे तो ऐसा माहौल नहीं था महोदय, भले ही विचार में हम लोगों को अलग था, लेकिन ये तो अलग ही माहौल, ये तो पॉलिटिकल विंडिक्टिव से भी ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हो गया लोग। कोई नया कुछ एविडेंस नहीं, एक ही केस जो है 3-4 बार जांच हो करके बंद कर दिया गया, जिसका पार्लियामेंट में भी जवाब दिया गया कि कुछ नहीं है। डीए केस हुआ हमारे पूरे परिवार पे, जब डीए केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तब भी लगे पड़े इन लोग। लेकिन इन लोगों का शातिरपना जो है चलने वाला नहीं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। और हमारे पुरखे हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारे नेता के संघर्ष, साझी विरासत और वैचारिकी का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, तो ना डरने का ना झुकने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। हम लोग